त्याची मालकी मी कधी पण घेऊ शकते. कानून कायदे माझ्या हातात, कायदा आहे, मी कोर्ट कचेरी खेळते. मी काय अशी विनय, मी काम करून कोर्ट खेळते. मग माझ्या पुढे आहे ना शेवटवारी, शेवट तेच उभ्या करणारी. पण मी केस खेळणार. इसी में भी अभी क्या चलता है, 800 रुपए का गेहूं हो गया है 100 किलो का भाव. ये पावने पास से अंते 25 रुपए. नहीं तो उसमें भी हमारा साधन है, जान जाते हैं. सुबह 4 बजे से रात को 11 बजे तक. नहीं तो नहीं है ना जाना. 8 किलो का चपाती बनाने को कितना टाइम लगता है और टाइम पे पैसा भी नहीं मिलता है. कोई कोई खाएगा डुबा के जाएगा, उसमें क्या फायदा नहीं, मगर क्या करेगा. उसका कोई औरत आएगा, भाई आएगा, बाप आएगा, कोई आएगा, उसका दो चपाती ज्यादा भरो, भरना पड़ता है, चावल ज्यादा डालो, डालना पड़ता है. उसका 2 रुपया हमको उठा के जाता नहीं. 2 टाइम देगा तभी 16 रुपया. 15 दिन भरेगा तो 15 दिन का हिसाब करके देने का. बाद में लोग 15 दिन का पैसा देता है, 20 दिन का देता है. अभी वो महीना तो गया खड्डा में. हम तो होएगा 12-15 बरस होएगा. तैसा मैं शादी करके आया, तैसा मैं मेहनत करते, बाजी बेचा सब कुछ किया, तभी हो है. आदमी तो 2 रुपया कभी कमाए नहीं मेरा. रात दिन दारू के अड्डा में बैठेगा, हमको मार मार हान करके बर्तन लेके जाएगा और बीमार पड़ के 12 बरस ऐसा पड़ेला था, अभी मर गए. आदमी देखो कैसा है देखने को. 4 बच्चे पैदा करके हो गया सब. अच्छा वो तो सास का खोली, सास खोली लेके रखा है, वही अच्छी बात है. उसमें किधर से भीख मांग के खाएगा, तो आज इज्जत है ना. वो तो सास ससुरा लेके रखा है. खाली रूम मेरा खुद का है, बाकी कुछ नहीं. रस्ते पे बैठे हैं ना, जो सब्जी बेचते हैं, वेजिटेबल वेंडर, उनको, मटका वेंडर, मट्टी वेंडर, टोकरी बनाने वालों को, ऐसे थोड़ा थोड़ा सबको कर्जा देना शुरू किया. तो एक दिन ऐसे वो पुलिस वाले जब जाते हैं ना, तो शाम को सब्जी उठा के लेके जाते हैं जो रास्ते पे बैठी है.
तो वो तकरार करने के भैया हम आपको पैसे देते हैं, ये करते हैं, सब करते हैं, लेकिन इसको कौन रोकेगा? आप आके उसको रोको। मैंने बोला मैं कुछ लेने वाली नहीं हूँ, कैसे रोकना मैं आपको बता दूंगी। तो दूसरे दिन सब औरतें एक एरिया में जहाँ सब पुलिस रहती हैं, उधर जाके सुबह सुबह सबको बोलने लगे, ले लो भाजी, ले लो, बहुत अच्छी लाई है, मुफ्त में है, पैसा मत दो। तुम्हारा पति थका भागा शाम को आता है, हमारे से बाजी उठाता है, हाथ में बेचारा लेकर, वो थका हुआ होता है ना, कितनी तकलीफ होती हुई। तो हमने ये सोचा आज से कि रोज सुबह हम भाजी जो मार्केट से लाएंगे पहले आपके पास आएंगे, आपको जितनी चाहिए आप ले लो, बाकी की हम बेचेंगे, तो आपके पति की तकलीफ बच जाएगी। तो ये थोड़ा सटायर जैसे हो गया, तो उससे क्रांति हो गई। देखो किचन को कम ले मानना ये मैं नहीं मानती। अगर पढ़े लिखे लोग अपना स्किल बेचते हैं ना, तो हम लोग ये खाना पका के ऑफिस में जाकर बेचते हैं, ये भी हमारा स्किल है। ये मेरे को कुछ सवाल पूछा था कि आपने आखिर या औरतों के हाथ में बेलन दे दिया करके, लेकिन बेलन का यूज हमने दोनों तरफ से किया है, ये आप भी जानते हैं। अन्नपूर्णा में जैसा किसी के ऊपर मतलब ये लोन का तो काम करते करते, अभी समझो किसी का हस्बैंड दारू पी के आया और औरत को मार रहा, तो हम चार जन इकट्ठा होके जाके उसको है ना उसके ऊपर दबाव डालते कि ऐसा मत करो, और वो औरत को बोलते हैं कि अगर ये आदमी आपको सही नहीं रखता तो तुम हमारा अन्नपूर्णा में चलो, वहाँ आपको है ना अच्छी तरह से रहने को मिलेगा, आपको सब सहूलियत मिलेगी। मतलब ये दारू का ही सवाल नहीं है, कोई भी उनके ऊपर तकलीफ आई, एरिया में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो वो सब सॉल्व करते हैं, हम पारू भाई और कुसुम तीनों जन मिलके। ह्या 6 नंबर रूम मध्ये 100 माणसं जेवायला होती, अन्नपूर्णा सुरू झाली त्या दिवशी। अन्नपूर्णा मध्ये यायच्या अगोदर तर मी कम्युनिस्टाची काम करतच होती, तसा माझ्यामध्ये धिष्टपणा अगोदरच होता, मला अगोदरच कम्युनिस्टाचा हातामध्ये झेंडा घेऊन शनी मोर्चा काढायची सवय होती मला, त्याच्यामुळे मला अशी भीती अशी कुठली वाटलीच नाही। पण ही संघटना एकत्र करायच्या अगोदर मला असा प्रश्न पडायचा की बाबा ह्या महिला सगळ्या माझ्या संगती येणार का, ह्या महिलांच्या पण मनामध्ये धीटपणा यायला पाहिजे ना। मी एक एकटी धीट कम्युनिस्टामुळे मी एक धीट झाली, पण ह्या बाकीच्या महिलांना धीट करायचं कसं? आम औरत तो नाही मालूम, पण मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव आहे। पुलिस स्टेशन में बोलो, म्युनिसिपैलिटी वार्ड में बोलो, कहीं भी बात करने को जो अपने को डर लगता था आप ही बिंदास बोलते हैं। संस्था में जाने से ही मेरे अंदर बदलाव आया है ना, खाली पैसे के से ही बदलाव आया है, ऐसा नहीं है इंसान की जिंदगी में। मालक गेल्यानंतर हे भेटल्या, भेटल्या म्हणल्या मी काय करायचं, वेळ जायचं नाही ना घरात, मग काय करायचं, मग कपडे घेतले जुने पुराणी गोधडी शिवत बसली। तो गोधडी शिवत असताना ह्या एक दिवस घरी आल्या आणि म्हणतात ह्या तुम्ही अशा गोधड्या शिवता, मग तुम्हाला आता मी बाहेरच काढणार। ये तो बाहर आती नहीं थी, इतना घुंघट निकालती थी, इतना निकालती थी, आती नहीं थी। मिलचे दरवाजा आम्ही मेंबरशिप करायला गेलो होतो, हे आमच्या बरोबरच असायचं, आम्हाला काय माणसं अडवायची, 1 रुपया मेंबरशिप मिलचे त्याला किती वर्ष झाली। जब 72 का हड़ताल मैंने देखा तब ये औरतें अपना काम करके वो मिल के दरवाजे पे खड़ी रहती है पिकेटिंग करने के लिए, कामगार को बोलने के लिए कि आप मिल में मत जाओ, हड़ताल मत तोड़ो, और वो उसको खाना खिलाती थी और तब वो बिल्कुल अपना सब साहूकार के यहाँ गिरवी रखती थी। तो इसलिए मुझे तब से ये था कि ये औरत हड़ताल तोड़ने वाली नहीं है, यानी कि अपने मांग के लिए या अपने ऊपर जो भी अन्याय हो उसको ये करने के लिए बहुत खड़ी हो जाती है, लेकिन उसके ऊपर जो अन्याय होता है वो समझती नहीं।
मैंने बहुत बसों काम किया, लेकिन आज तक जो मैंने किया, मुझे ऐसे लगता है एक इसमें कि मैं झूठ बोली सबके साथ। आज मुझे लगता है कि मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि अन्नपूर्णा का काम ये असलियत है औरतों की जीवन की, या वो पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, लेकिन खुद औरत अपने बारे में सोचना, ये असली जिंदगी है, और वो मैंने किया है। देखा,